हाय परी, हाय, यू आर गोइंग टू लीव आगरा नेक्स्ट मंथ। हु टोल्ड यू? टेक आईना टोल्ड मी। टेक हर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक समवन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इससे मतलब क्या होता है? जब किसी को बोलना है उसको ज्यादा सीरियस मत लिया करो, वो तो सब बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता है, खामखा बोलता है, बेकार की बातें बोलती है, वो तो खामखा ही बातें कहती है। इनकी फ्रेंड आईना है, आईना ये कहना चाह रही है, इनकी एक दोस्त है आईना, वो तो उस पर भरोसे मत किया करो, वो तो फालतू बात ज़्यादा करती है, बढ़ा चढ़ा के बात ज़्यादा बोलती है। तो आप बोल सकते हो जस्ट टेक हर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे आप खाना बनाते हो, खाने में नमक डालते हो तो कम नमक डाला जाता है, तो कम ही नमक डालो उसके, मतलब बातों का पूरा भरोसा मत किया करो, वो तो नेक बात की बड़ी बात कर देती है, बस बात को फेंकती है, उसे बोलते हैं टेक समवन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब कोई सिचुएशन है उसे बोल सकते टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे आप घर में समझाते हो एक दूसरे को, सास बहुत बड़ा हो गया, कोई बात कहती, अरे यार उनकी बातों क्यों बड़ा मानते हो, ऑलवेज टेक हर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हस्बैंड शुड टेक वाइफ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा बातों को नहीं मानना चाहिए। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इसका यूज कर सकते हो, कुछ सेंटेंस आप भी कमेंट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इंग्लिश सीखने की विश, जनरल इंग्लिश। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।